हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हम आपको टाई पार्ट में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं और इस प्रकार के दशमलव के गुणा आपको बिल्कुल सेकंड में बता देंगे, आपको कैसे करना, बिल्कुल चुटकियों पर, बिल्कुल एक बजाओ आपको सेकंड में हो जाएगा। आपको दो तरीके बताएंगे, आपको जो पसंद आए उस तरीका का आजमा लेना, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हो। बेहतरीन तरीके हैं, वैसे तो इसको दो तीन तरीके से अपन लगा ही सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा नहीं लगाएं, बिल्कुल सीधा सीधा बता देंगे हम आपको क्या बता रहे। आपको एक बात याद रखना, जितने जीरो को गुणा कर भी उतने दशमलव आगे खिसके, मतलब अपन इतने बैठे तो दो जीरो को दशमलव कर भी सो आगे है ना, हाँ दशमलव गुणा में कहाँ बढ़ेगा दशमलव, जय जीरो को गुणा करो ना हाँ दशमलव बढ़ेगा कहाँ इस साइड। अगर अब हम भाग दें हैं तो कहाँ बढ़ा ना उल्टो ना जाए, ठीक है, और गुणा कर रहे तो ना बढ़े, जय जीरो को गुणा सुना दशमलव और जय जीरो को भाग, ठीक है, जय जीरो को भाग सुना दशमलव, ई साइड जब भाग में कहाँ ई साइड है ना जाए और गुणा करो सुना दशमलव, एक दो जीरो है, दो जीरो तो दशमलव कहाँ इधर से पहुंचेगा किधर, एक दो जीरो से एक दो इधर आ जाएगा, कितना 5 तो 24 दशमलव, कितना 0 0 जी, आपका उत्तर हो जाएगा, कितना उत्तर हो गया, मतलब 524.00 लिखा, मतलब 524 ही है, दशमलव के पीछे 0 0 लिखाओ तो मतलब 524 दशमलव हटा दो, कुछ नहीं ऐसा। आपको कितनी जल्दी, हाँ जी इतनी जल्दी। अब इसका सेकंड तरीका क्या है, 524 दशमलव गुणे कितना था 100। अब हमने आपको पीछे वीडियो में बताया कि जे अंक दशमलव हटाएंगे उतने जीरो नीचे बढ़ाएंगे, तो 524 का दो अंक दशमलव लगा तो दो अंक एक दो अंक दशमलव लगे तो दो अंक में दशमलव लगे तो हटाएंगे दो अंक से नीचे क्या बढ़ेंगे, दो जीरो गुणा कितना ऊपर 100, तो जिस 100 से 100 क्या हो जाए कट जाएगा, तो आपका बचा कितना है 524, क्या आ जाएगा उत्तर 524, तो इसमें ही 524 आया, इसमें ही 524। अब आप कर सकते हो ना इसका बिल्कुल सेकंड में निकाल सकते हो, इसको निकाल कैसे करोगे, आप जल्दी से दो अंक इधर दो अंक बैठे तो दो जीरो को गुणा करने से 84 कितना आ जाएगा 72, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे इसका दूसरा तरीका आपको लगाना है तो लगा लियो। अब इसमें आपका क्या है, एक जीरो को गुणा करने तो दशमलव कहाँ एक अंक खिसके तो 904.02 आ जाए इसका आंसर, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आपको इसमें भी क्या करना है, एक जीरो को गुणा करने तो भैया एक जीरो ही खिसके आगे दशमलव 1.08 इसका आंसर आ जाएगा, कितना इसका भी उत्तर हो जाएगा जी। अब आपको दूसरा तरीका निकालने से लगाते रहना, फिर आपको क्या करना है, और इसमें भी तीन जीरो तो तीन अंक 0.3 तीन अंक है इसमें भैया, तीन जीरो तो एक अंक समान करने दशमलव के, तो इसके पीछे आप जीरो बना लेना, क्या बनाना है, जब आपके अंक समान है तो अब देखो एक दो तीन अंक ही में है, एक दो तीन अंक आपके ही में हो गए, दशमलव अंक ही में, दशमलव जीरो के तीन ही में हो गए। अब दशमलव के पीछे तो जीरो कई होते हैं, आपने देखा था इसमें कि दशमलव के पीछे जीरो ही जीरो होते हैं, तो इधर इस साइड दशमलव के पीछे जीरो ही जीरो होते हैं, इसलिए अपन ने बढ़ा लिया, आगे नहीं लिखे जीरो के आगे बढ़ाओ नहीं, ठीक है। अब दशमलव कितने अंक बढ़ा देंगे, एक दो तीन जीरो तो तीन अंक आगे बढ़ाएंगे ना खिसकेंगे, तो एक दो तीन अंक जीरो के बाद आ जाएगा, तो 28.720 इतना आपको उत्तर आ जाएगा, दशमलव हटा दो सीधे सीधे, आप इतना आ गया आपका, इसको कितना आ जाएगा 98.94.2 पहुंच गए और एक और जीरो आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक दो इधर आ जाएगा, तीन अंक करोगे जीरो बढ़ाओगे इधर आ जाएगा, तो तीन अंक बाद जीरो के बाद दशमलव आ जाएगा तो जीरो हट जाएगा, जीरो जीरो बस बच जाएगा, तो दशमलव के जीरो हट जाएंगे, जो दशमलव के नहीं भी तो रह जाएंगे, ऐसे करने हैं। आप लोग इनका करके बताओ, 44.34×10 एक जी करो और एक आप लोग जी करना, 64.74×100 जी वाला करो, एक एक तीसरा आपको जी करना होमवर्क के टाइप है, 74×1000 ऐसे जी करने आपको, जी तीनों करो, इसके आंसर कमेंट में करके बताओ जल्दी से, ठीक है जी, बहुत सिंपल है दशमलव के गुणा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।